अगर मैं कहूँ मेरी स्किन पे फिलहाल सिर्फ सनस्क्रीन ऑन है तो क्या कहोगे जी हाँ कोरियन ब्यूटी फिलोसफी का एक सिंपल सी स्टोरी है एक सिंपल सा बेस है कि रिस्पेक्ट योर स्किन आपकी स्किन जैसे रहना चाहती है उसको वैसे रहने दीजिए उसके मेटाबॉलिज्म को हेल्प कीजिए उसको रिस्ट्रेन मत कीजिए बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोरियन ग्लास स्किन चैलेंज के जितने भी स्टेप्स हैं उनको नेचुरल रेमिडीज के तहत इंडियन स्किन कैसे इस्तेमाल में ला सकती है बस वही अचीव किया और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि ऐसी रिफ्लेक्टिव से स्किन पाने के लिए आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनना है समझना है और जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये तो कमाल है मेरी स्किन के लिए तो ट्राई करना है वेरी सिंपल तो आइए जानते हैं वॉट ऑल नीड्स टू बी डन हेलो टू वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर वेलकम बैक टू द चैनल आशा करती हूँ मेरा परिवार खुश है स्वस्थ है अपना ख्याल रख रहा है और बहुत पॉजिटिव है भाई नीचे लिखकर अवश्य बताया कीजिए कि की कैसा महसूस कर रहे हैं भाई पॉजिटिव फील करिए आज तो काफी सारे मैजिक होने वाले हैं आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स आई I मीन mean ये सेवन स्टेप्स हैं लेकिन जब आप देख लोगे ना सारे स्टेप्स आप बोलोगे क्या यार प्रेरणा यार सिंपल सा बता देना था ना ये कोई स्टेप थोड़ी है मैं एक सिंपल सा मैसेज उन प्यारे से ऑडियंस को पहुंचाना चाहती हूँ जो कहते हैं कि प्रेरणा वीडियो बहुत लंबी बनाते हो देखिए आप लोगों के अंदर उस चीज को बोने के लिए ये समझाने के लिए कि नेचुरल रेमेडीज कितनी पावरफुल होती हैं इन चीज़ों के अराउंड कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं उनको समझाने के लिए वीडियो को देख लेने के बाद अगर आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मुझे भी इसको अपने लिए करना है तो किस दिशा में आपको रिसर्च करनी है किस दिशा में और पढ़ना है ये सब कुछ समझने के लिए आपको कॉन्टेंट चाहिए ए प्लस बी प्लस सी मिला के लगा लेने से आपको ना तो वो सोच मिलती है ना तो वो समझ मिलती है ना ही डोज एंड डोन्स पता चलते हैं इसीलिए प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए समझा करिए और फिर देखिए क्या मैजिक होता है भाई तो यहां पे इतने सारी टेस्टमनीज हैं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए पॉजिटिव रहिए ध्यान से समझ के फिर रेमेडीज को ट्राई कीजिए कोरियन स्किन जो होती है वो कितनी सुंदर होती है आई मीन कितने सारे जितने लोगों को देखो सभी की स्किन कमाल की होती है होती है कि नहीं होती है प्रोसीजर्स होते हैं इनके फेशियल्स uh, में एंड एवरीथिंग दे आर वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्स लगते हैं पर बहुत सिंपल होते हैं मैंने ध्यान से स्टडी किया और मैंने सोचा कि चलिए इनका जो बेसिक प्रोसेस है क्लेंसिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड देन प्रोटेक्टिंग ये मैं अपने uh, प्यारे से ऑडियंस के लिए भी शेयर करती हूँ इसको मैंने अपने लिए भी ट्राई किया मैं बहुत खुश हूँ रिजल्ट से और बस आपको खुश करने के लिए आए हैं इस प्रोसेस को कर लेने के बाद बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारी स्किन कोरियंस जैसी हो जाएगी कदापि नहीं हमारी स्किन हमारी ही स्किन का बेस्ट वर्जन बन जाएगा दैट्स इट वो परेशानियां चली जाएंगी वो जो चीजें हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशानियां हो रही हैं दे आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड दैट्स इट बहुत ही सिंपल है तो जल्दी से शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन किसी भी स्टेप की तरह ये भी क्लेंजिंग करते हैं लेकिन इनके क्लेंजिंग में बहुत ही प्यारा सा स्टेप होता है दैट इज ऑयल क्लेंजर मार्केट में इतने सारे ऑयल क्लेंजर अवेलेबल हैं आप चाहें तो जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं कुछ सस्ते भी हैं बट आई एम नॉट श्योर कि वो कैसा बिहेव करते हैं लेकिन हम घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स को अगर ब्लेंड करके ये ऑयल क्लेंजर प्रिपेयर करना चाहें तो बहुत ही आसान है आपको चाहिए पांच से सात बूंद ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और आपको चाहिए पांच से सात बूंद अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल दोनों ही नॉन कमेडेजेनिक होते हैं और दोनों ही स्किन के ऑयल के बहुत बहुत पास होते हैं आई I मीन mean, इतना ज़्यादा सेम सा फीचर होता है इन ऑयल्स का और हमारा जो ऑयल निकलता है स्किन से कि दे आर वेरी कंपेटेबल टू वन अनदर दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए एडिक्वेट अमाउंट लीजिए और अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लीजिए लगा लिया इसके बाद शुरू कीजिए मसाजिंग अब देखिए ये ऑयल जो कि आपकी स्किन के ऑयल से काफी मैच करता है जब आप इसको अच्छे से अपनी स्किन पर लगाते हैं ना बहुत अच्छे से मसाज करते हैं तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कोई भी डिपोजिशन कोई फालतू की फुंसी जो प, पैदा हो रही है अभी होने वाली है वट इट इज वो एड्रेस होने लग जाती है और अगर आप बहुत अच्छे से मसाज करते हैं मतलब कुछ समय लेके इतमान से बिना घाई किए यू नो एकदम से अपनी स्किन को समय देते हैं तो ये अपने आप ही पॉप आउट हो जाते हैं आपके पोर्स विजिबल हो जाएंगे दैट्स अनदर थिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो क्लीन हो जाएंगे क्योंकि जो भी डिपोजिशन उनके अंदर है वो बाहर आ जाएगा तो पूरा समय लेके अपने हाथों को चार्ज कीजिए फिर मसाज कीजिए गर्माहट आ जाएगी चेहरे पे दैट्स फाइन एब्सोल्युटली फाइन अच्छे से अपनी स्किन को साफ कीजिए वो सारा मेकअप मेल्ट कर लीजिए वो सारी डिपोजिशन मेल्ट कर लीजिए जो भी परेशानी स्किन पर आ सकती है या है उन्हें हटा दीजिए चार से पांच मिनट अच्छे से अपनी स्किन को मसाज कर लेने के बाद जब आप इतमान कर लें कि भाई सारा का सारा मेकअप मेल्ट हो चुका है डिपोजिशन बाहर आ चुके हैं क्लॉग पोर्स जो थे वो मेल्ट हो गए हैं कंप्लीटली और बाहर एक्सपोज ऑफ हो चुके हैं इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप करना है एंड दैट इज आपको माइक्रोफाइबर फाइबर टाल लेना है कॉटन टाल नहीं चलेगा हम अपनी स्किन को यहां पर यू नो सूद कर रहे हैं उसके नेचुरल एनवायरमेंट को हम खराब नहीं करना चाह रहे हैं शुरू में माइक्रोफाइबर फाइबर टाल जब आप यूज करेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो लगे नहीं रहा कि मुंह साफ किया क्योंकि वो रगड़ा रगड़े में पसंद है ना कॉटन टाल की लेकिन एक बार अगर आपने माइक्रोफाइबर फाइबर का इस्तेमाल सही ढंग से अपनी स्किन के लिए कर लिया ना आप बोलेंगे अरे अभी तक हम क्या कर रहे थे अपनी स्किन को परेशान लिटरली इट इज दैट केस आपको माइक्रोफाइबर टॉल एक गर्म पानी में डिप करना है एक गर्म पानी नहीं गर्म पानी में डिप करना है अच्छे से स्क्वीज करना है और अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है सारी की सारी प्रक्रियाएं आपको अपनी गर्दन पर भी करनी है हम सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है कर रहे हैं और गले गले में गर्दन पर टेक्निक का प्रॉब्लम सभी को हो रहा है ये जो लाइंस होती हैं सो प्लीज़ अच्छे से मसाज कीजिए जो भी स्टेप कर रहे हैं वो गर्दन पर भी अवश्य कीजिए अच्छे से जब अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर लेंगे यूजिंग अ टॉल, आप देखेंगे कि अरे फेस वॉश की जरूरत ही नहीं पड़ी जबकि मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन की तरफ है उसके बावजूद ऑयल क्लेंसिंग से मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया एंड आई वाज सुपर डुपर हैप्पी कि भाई वाह क्या कमाल हो गया है इसके बाद अगर आप चाहें तो फेस वॉश कर सकते हैं जो भी आप नॉर्मली यूज करते हैं बहुत तो थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा लेकिन मैंने यूज नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैंने हॉट टाल से इसको क्लीन किया मेरा पूरा चेहरा क्लीन हो गया एंड आई फेल्ट किया मुझे शायद कि मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं है आई कैन बी लाइक दिस ओनली जी हाँ एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और हमें भी बताइएगा आपका क्या रिजल्ट रहा इसके बाद अब क्योंकि ऑयल का एप्लीकेशन हुआ है और विजिबली चाहे ना दिखे कि ऑयल पूरा हटा नहीं हटा तो प्लीज मेक श्योर कि अब जो नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं वो बहुत ही थॉटफुली हो और जितना भी जहां जहां पर भी ऑयल लगा था वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए अब इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए एक बोल में आपको चाहिए अप्रॉक्सिमेटली आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी अगर आप ऑयली स्किन के हैं या कॉम्बिनेशन स्किन के हैं तो मुल्तानी मिट्टी इज अ वंडरफुल ऑप्शन अगर आप बहुत ड्राई स्किन के हैं तो आप मसूर दाल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे दाल को पीसीए छान लीजिए आपका मसूर दाल पाउडर बनकर रेडी हो चुका है इसमें आपको दूसरा इंग्रेडिएंट दूध लेना है कच्चा दूध है तो बहुत बढ़िया वरना उबला हुआ भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मिला के अगर आपने दाल का इस्तेमाल किया है तो अलग रहने दीजिए थोड़ा सा सॉफ्टन होने दीजिए तब इस्तेमाल कीजिएगा मुल्तानी मिट्टी वाले आराम से मिक्स कीजिए और इमीडिएटली अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए बहुत ही पतली कोट हमें कोई ऐसा थिक ये, ये फेस मास्क नहीं है इट इज़ जस्ट अ क्लेंजर यू नो एक्सफोलिएशन का पार्ट है अब जो भी डर्ट हमने वैसे ही ऑयलिंग कर रखी है वो लूज हो जाते हैं मुल्तानी मिट्टी उनको एकदम से चिपका लेता है और लेकर बाहर आ जाता है इट्स दैट सिंपल आपको आंखों के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम सुखाएंगे नहीं जी हाँ हमें सुखाना नहीं है पूरा अपने चेहरे पर अच्छे से गर्दन पर अच्छे से लगा लेने के बाद अप्रॉक्सीमेटली एक मिनट वेट कर लीजिए मोर देन सफिशेंट और इसके बाद जब ये सूखने लगे मतलब सूखना स्टार्ट होने लगे बस आप इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे वेरी सिंपल नहीं कितना आसान है और जैसे ही आप वाइप ऑफ करेंगे ना वो जो बचा खुचा बच आपके चेहरे पर डिपोजिशन था कंप्लीटली गॉन एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी स्टेप नंबर थ्री इज गोइंग टू बी टोनिंग योर फेशियल स्किन अब वो कैसे किया जाए देखिए अगर आपके पास कोई पीएच बैलेंसिंग टोनर है जिसको यूज करके आप काफी खुश हैं और आप काफी यू नो इतमान करते हैं कि भाई हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है आप उसका इस्तेमाल कीजिए अदरवाइज दही या दही के ऊपर का वो पानी होता है ना बेस्ट टोनर आपकी स्किन के पीएच को बिल्कुल बैलेंस कर देता है जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली exactly उसी लेवल पर ले आता है कोई भी अगड़म चगड़म प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है जिससे स्किन पर थोड़ी सी परेशानी आ गई है बैरियर ब्रेक हो गया है जो भी परेशानी है ये सभी चीज़ों को लाइन पर ले आता है बस आपको यही लेना है ब्रश के तहत और अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लेना है आंखों के ऊपर आंखों के नीचे एवरी पॉसिबल आपके फेस पर अच्छे से क्ली आप लगा लेंगे एंड रहने देंगे गर्दन पर भी पूरा लगाइएगा एंड लेट इट बी इसके बाद आपको अपनी आई एरिया को ज्यादा मॉइस्चराइज करना है इसके लिए ये टोनिंग तो करेगा लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा हमें पता है हमारी स्किन यहाँ की थोड़ी सी सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्किन इसीलिए बैलेंस आउट करने के लिए आपको लेना है आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल द बेस्ट आई केयर आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वॉट इट इज आराम से एड्रेस हो जाता है ये खाना होता है आपकी स्किन के लिए यही आपको लेना है और अपनी स्किन पर अच्छे से लगाना है आई एरिया में ओवर योर आईज अंडर योर आइज एवरी सिंगल प्लेस एंड लेट इट बी डन जब आप इसको अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लें ये जो आपका दही है ये अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा लिटरली अपनी स्किन के अंदर चला जाएगा आपकी स्किन खुश हो जाएगी इसको खाने के बाद गर्मियाँ हैं भाई उन्हें भी ठंडक चाहिए इसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही नेचुरल और बहुत ही नॉर्मल लग रही है लेकिन हमें पता है कि हमने दही लगाई हुई है दोबारा से आप यही टाल लेंगे और अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर लेंगे कंप्लीटली जितना भी हमने दही या दही का पानी लगाया था वो क्लीन कर लिया है आपके स्किन पर वो आप, आपने एडिशनल आई एरिया में लगाया था ऑयल उसको क्लीन कर दिया है एंड योर स्किन इज अगेन गोइंग टू फील वेरी 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 हाइड्रेटेड मतलब ऐसा हाइड्रेशन आप बोलेंगे कि हमने शायद वो करा रखा है फेशियल इतना हाइड्रेशन हर स्टेप के बाद इट इज दैट मॉइस्चराइजिंग लिटरली ट्राई कीजिए और आप आकर ऑब्जेक्टिव लिखिए कि प्रेरणा वो आपने गलत कहा था शायद वो सही है यही आई शब्द आपके दिमाग में भी आएंगे कि बिल्कुल एकदम यू नो हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज स्किन है इसके बाद क्योंकि हमारी स्किन अच्छे से क्लीन हो चुकी है एक्सफोलिएट हो चुकी है टोन अप हो चुकी है हमने आई एरिया का भी ख्याल रख लिया है अब आता है नेक्स्ट स्टेप जिसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा सीरम अपनी स्किन के लिए लगाना है सीरम आपकी स्किन पर पेनिट्रेट करता है इसीलिए ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको लगाना होता है बहुत ही स्किन फ्रेंडली सीरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए मार्केट में इतने सारे कॉन्सेंट्रेटेड सीरम्स आ चुके हैं जो कि हमारे स्किन के बैरियर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमें एकदम से नहीं पता चलता कुछ समय बाद पता चलता है जब अंदर की स्किन विजिबल होने लग जाती है रेडनेस आ जाती है ब्लू लाइन्स दिखती हैं समथिंग और दी अदर इसी बहुत ही जेंटल सीरम्स का इस्तेमाल कीजिए अब हम कौन सा सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले आपको एक बोल में लेना है एक चम्मच ग्लिसरीन अब ग्लिसरीन मैं आपको बता चुकी हूं हाइलोरॉनिक एसिड की फैमिली को बिलोंग करता है बहुत हाइड्रेशन देता है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देता है पर क्योंकि चिपचिपा होता है इसीलिए अकेला इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट एक चम्मच रोज वाटर जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं ये दोनों आपस में इतने कंपैटिबल हैं कि मिक्स करके आप सिर्फ इसका भी एप्लीकेशन कर सकते हैं देन ऑल्सो गेट अमेजिंग रिजल्ट्स लेकिन इसके बाद अब हम लेंगे विटामिन सी का डोज आपकी स्किन के लिए जो कि उसके लिए लिटरली फूड है खाना है हमारी स्किन विटामिन सी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है इसीलिए हम बाहर से डिपेंडेंट होते हैं कि विटामिन सी स्किन को मिले तो आपको खाना भी है और लगाना भी है दैट इज वन टेबल स्पून ऑफ बीट रूट जूस यानी कि चुकंदर का जो रस होता है मैंने कदोकस कर लिया है और बस उसको अच्छा सा हल्के हाथों से निचोड़ा है तो मेरे पास आराम से वो जूस इकट्ठा हो गया है मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच बीट रूट जूस लिया है आप चाहें यू कैन प्ले विद द रेशो ग्लिसरीन एक चम्मच बहुत है रोज वाटर और बीट रूट जूस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका ये हेल्दी सीरम बनकर रेडी हो चुका है इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये कंटेनर ये मैंने मीनी सो so से लिया था काफी ज्यादा कन्वीनियंट है और हंड्रेड पीसीज एक साथ आपको मिल जाते हैं इसके अंदर आप कोई भी सीरम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं ये एक फेशियल टिश्यू है जो सारा का सारा सीरम एब्जॉर्ब कर लेता है इसको ओपन करके आप अपने मुंह पर पहन सकते हैं दैट्स वेरी सिंपल राइट तो बस यही मैंने कंटेनर में ना डाल के यही फेशियल टिश्यू लिया है और अपने सीरम में डिप कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कैसे मैजिकली इस पूरे के पूरे मास्क ने सारा का सारा सीरम सोक कर लिया है सो so, यह yeah, आपका अमेजिंग सा फेशियल सीरम मास्क बनकर रेडी हो चुका है इसको आप ओपन करेंगे अगर एक्स्ट्रा है तो आप स्क्वीज आउट कर सकते हैं थोड़ा सा अदरवाइज यून टू ओपन इट एंड ऑल ओवर योर फेस अच्छे एवरी पार्ट ऑफ योर फेस चिपका दीजिए जो एक्स्ट्रा है उसको अपनी गर्दन पर अच्छे से लगा लीजिए एंड सो जाइए आई मीन एक पावर नैप ले लीजिए 15 से 20 मिनट आराम से उसको अपने चेहरे पर वो काम करने दीजिए जो मैजिक हम चाहते हैं लेट द स्किन एंजॉय द ड्रिंक वी आर गिविंग एंड इसके बाद बीस से पच्चीस मिनट के बाद जितना टाइम आपके पास है so, आपके पास जो बचता है वो है हाइड्रेटेड सी सुंदर सी शाइनियर सी मॉइस्चराइज सी स्किन जिसको अब आप इंजॉय करने वाले हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी गीले टाल से अपने पूरे चेहरे को अच्छे से वाइप कर लीजिए कोई आपका मॉइस्चर वाइप ऑफ नहीं होगा सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चेहरे पर हैं वो अच्छे से हट जाएंगे और आपके पास जो बचेगी वो है सॉफ्ट सपल मॉइस्चराइज स्किन जिसको आप इन्जॉय करने वाले हैं आप बहुत खुश हो जाएंगे आप धूप में देख सकते हैं माई स्किन इज एब्सोल्युटली हैप्पी एंड हेल्दी इस पूरे प्रोसेस के बाद मैंने uh, मैं नहाई उसके बाद मैंने सिर्फ प्लेन वाटर से नहाई हूँ मैंने कुछ भी अपने चेहरे को फेस वॉश एनीथिंग नथिंग विज डन इसके बाद रेडी होने के बाद मैंने सिर्फ सनस्क्रीन का एप्लीकेशन अपने चेहरे पर किया एंड दैट्स इट दैट्स इट थोड़ा सा ऑयल मेरी ऑयली स्किन है तो अपने आप नेचुरली ऑयल आ जाता है अदरवाइज आई एम सुपर डूपर डूपर हैप्पी विद रिजल्ट इट्स अमेजिंग प्लीज़ इसको अपने लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए बहुत ही सिंपल है आप देख सकते हैं वन ऑफ द स्टेप इज जस्ट टू अप्लाई आमंड ऑयल दैट्स इट ऐसे स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस में एंड जब आप इसको ट्राई कर ले तो वापस आके हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे पूरे परिवार को इसके लिए काफ़ी ज्यादा यू you नो know, हेल्प मिलती है जब आप आके अपने रिजल्ट्स लिखते हैं दैट इट वाज हेल्पफुल इट वाज दिस इट वाज दैट इट वुड बी रियल 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 हेल्प और मैं पहले से ही इन एडवांस आपको थैंक यू बोल देना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर फैमिली मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल टिल देन टेक वेली गुड केयर ऑफ यूर एंड नो फॉर श्योर आई लव यू वापस आके जरूर बताइएगा चैलेंज लिया था और क्या रिजल्ट रहे take care